यित्रिक से गए, वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने हमास नाम के टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट किया, पैसा दिया, समर्थन दिया, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी। उम्मा की अम्मा कौन है ये भी तो बता दीजिए। ये दाढ़ी बढ़ाकर हुक कर देंगे, वो कर देंगे, हम मिटा देंगे, ये सब बहुत देख लिया है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या इसराइलियों को जीने का अधिकार है कि नहीं? नहीं तो इस तरह जिएगा कि दूसरे के इलाकों में घुस के उनके मकान तोड़ कर उनके कब्जा करके उनको भगा के गोली मार देंगे। हाय एवरीवन, आप सब लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, पिछले दो चार दिनों से एक एक्स आर्मी ऑफिसर आरएसएन सिंह गोदी मीडिया की डिबेट में आ रहे हैं और डिबेट जिस मुद्दे पर है उस पर जवाब देने के बजाय वो मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे। तब आसिम वकार भड़क गए। क्यों भड़के वो देखने से पहले आसिम वकार ने टेररिस्ट के बारे में क्या कहा वो सुनिए। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। आसिम वकार, शफीकुर रहमान भड़क कहते हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि एक दिन इसराइल सारे अरब देशों पर कब्जा कर लेगा। असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हमारी हकूमत को, हमारे मुल्क को जो वॉर क्राइम इसराइल कर रहा है उसकी निंदा करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि कोई रूहानी रिश्ता जोड़ रहा है, कोई सलाम भेज रहा है और ऐसा लग रहा है कि कॉम्पिटिशन चल रहा है कि कौन कितना बड़ा हमदर्द हो सकता है हमस का? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट लिखते हैं आपके जो भी लिखने वाले हैं, मतलब ब्रिलियंट मैन, उसमें आप भी हेल्प करते होंगे सर। मैं हिंदुस्तान में हूं तो यहीं की बात कर लूं, जितने लोग भी फिलिस्तीन की और फिलिस्तीनियों के समर्थन की बात कर रहे हैं, उनके साथ हक की मांग कर रहे हैं, वो सब आपकी नजर में आतंकवादी और सब आतंकवादी सपोर्टर। अब आप बिल्कुल क्लियर होकर सुनिएगा, अलकायदा को अमेरिका ने पैदा किया था, अमेरिका ने ट्रेंड किया था, अमेरिका ने खड़ा किया था रशिया के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ने के लिए। अलकायदा द मोस्ट वांटेड और क्रिमिनल टेररिस्ट ग्रुप जो था अलकायदा, उसामा बिन लादेन, ये पूरी दुनिया जानती है कि वो CIA ने ही पैदा किया था। तो फिर आतंकवादी, जो बड़ा आतंकवादी अमेरिका हुआ क्योंकि अलकायदा को पैदा कर रहा है, तालिबान को भी उन्होंने पैदा किया, पाकिस्तान हिजबुल मुजाहिदीन को हथियार दे रहा था, जैश ए मोहम्मद को हथियार दे रहा था, जैश ए मोहम्मद के कैंप लगा के ट्रेनिंग दे रहा था, हमारे देश के ऊपर हमले कराने के लिए। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के पीछे अमेरिका का हाथ था, तो अमेरिका पाकिस्तान के जरिए से भारत में आतंकवाद फैलवा रहा था और मदद कर रहा था और भारत चीख चीख के ये बात कह रहा था, लेकिन अमेरिका नहीं मानता था, अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ था, तो अमेरिका हुआ। विपक्ष आज हमास के साथ इसलिए है क्योंकि अमेरिका आतंकवाद कर रहा था, इसलिए आप लोग भी आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं हमास के। ये क्या बात करते हैं यार। अरे पूरी बात सुनिए, अभी मनवा रहा हूं आपसे जी। 1980 के दशक में गाजा का जो एरिया था, यहां पर इसराइल की तरफ से एक्टिंग गवर्नर हुआ करते थे यित्जेक सेगेव। 1980 के दशक में यित्जेक सेगेव जो ऑफिशियली आपके एक्टिंग गवर्नर थे, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू में बताया कि PLO के खिलाफ लड़ने के लिए फिलिस्तीन के लोग शांति चाहते थे, फिलिस्तीन के लोग अपनी एक सरकार चाहते थे, अपना देश चाहते थे, उनको शांति न देना पड़े। इसलिए यित्जेक सेगेव कह रहे हैं कि हम लोगों ने हमास नाम के टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट किया, पैसा दिया, समर्थन दिया, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और खड़ा किया, तो हम लोग आतंक के सपोर्टर कैसे हो गए? जो आतंकवादी पैदा कर रहा है, जो आतंकवाद कर रहा है, जो आतंक को दुनिया में पहचान दे रहा है, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट इन 3 मिनट्स, उसके साथ साथ खड़े हो गए। बेशर्म, शर्म करो, शर्म। आसिम बकार, मेरा निवेदन मानिए प्लीज। नहीं, ऐसा आरएसएन सिंह साहब को बोलने में आसानी होगी। पूरी दुनिया में व्हाइट फास्फोरस बम बैन है, इतना खतरनाक बम कि जब वो फटता है तो उसका एक रेजा भी अगर इंसान की बॉडी से टच हो जाए तो वो पूरी इंसानी खाल को जला देता है और इंसान तड़प तड़प के मरता है। गाजा में व्हाइट फास्फोरस बम इसराइल इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। ये गाजा, आरएसएन,
आतंकवादी कौन है? भैया जी आप तो रूहानी रिश्ते का मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। अभी एक दो दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर सैयद डे मनाया गया सर। 50,000 लोगों ने दावत में हिस्सा लिया। 750 बकरे कटे सर, 40 क्विंटल चिकन बना था सर, और 35 क्विंटल शाही टुकड़े सर। तो ये है इनका दर्द, समझे? कोई सेंस है इस बात की? और ये दर्द जो देख रहे हैं नौटंकी, ईरान भी 7वीं बार फाइनल वार्निंग दे चुका है सर। एक एक मुस्लिम देश नहीं आएगा सर। जिस दिन एक मुस्लिम देश भी आ जाता है ग्राउंड पे, इनकी तो छोड़िए, ये हमारे यहां सब कॉन्टिनेंट मुसलमान को पूछता कौन है इस्लामिक वर्ल्ड में, इनकी तो कोई जगह। तभी तो ये देवबंद बरेलवी क्या क्या अहले हदीस बनाते चलते हैं ये लोग, ठीक है? तो ये एक भी अगर देश आ जाए, अरे जब तुम्हारा ईरान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया, वो सुलेमानी को मार दिया, तब तुम नहीं कूदे? ये क्या, ये रूहानी रिश्ते की बात कर रहे हो? इधर गोश्त खाने को गोश्त और सोने को गोश्त। अच्छा तो ये कौन सा रूहानी रिश्ता है? ठीक है, ओके, आसिम वकार वांट्स टू रिस्पॉन्ड। आसिम वकार, उम्मा की अम्मा कौन है? उम्मा की अम्मा कौन है ये भी तो बता दीजिए। ये दाढ़ी बढ़ाकर हुक कर देंगे, वो कर देंगे, हम मिटा देंगे, ये सब बहुत देख लिया है 1948 से देख रहा हूं, और अभी फिर डिमोरलाइज होकर बैठे रहोगे एक हफ्ता के बाद यहां पे, अभी पता चलेगा। देखिए मैं किसी भी धर्म के बारे में ना किसी तरह की गलत बयानी करता हूं, ना किसी को भी नहीं करनी चाहिए, किसी धर्म के बारे में बोलता हूं। ये जो बदतमीज बुला के बिठाया है ना आपने, बदतमीज, इससे पूछिए तुम्हारी औकात है? चवन्नी छाप, किसी धर्म पे बोल रहे हैं? चवन्नी छाप, ओए चवन्नी छाप, बदतमीज सुअर कहीं था? सुन, तेरे जैसे भाषा की मर्यादा रखे, बदतमीज कहीं का? अरे सुअर, तू सुअर खाता है? बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं सर, बदतमीजी नहीं। देखिए बात अगर फैक्ट पे कीजिएगा तो बात फैक्ट पे होना चाहिए। पूरी दुनिया में कहीं कुछ भी हो जाए, इस्लाम को या इस्लाम के कानूनों को गाली बकने से ये मैसेज गलत जाता है आपके चैनल पर। मैं किसी मजहब के खिलाफ कभी नहीं बोलता, चाहे कुछ भी हो जाए। व्यक्ति गलत हो सकता है, मजहब कैसे गलत हो सकता है? बात तो सही है। उम्मा का मतलब नहीं पता लोगों को, उम्मा पे बात कर रहे हैं, कुरान पढ़ा नहीं होगा, कुरान पे बात कर रहे हैं लोग। मैंने फैक्ट पे बात की, मैंने कहा जिसने पैदा किया आतंकवादी वो, जिसने हथियार सप्लाई किया आतंकवादी वो। मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं, फिलिस्तीन में शांति होना चाहिए, फिलिस्तीन के हक की बात होना चाहिए। तो एक एक भारत आप, सरकार आप, कह रही है, गौरव जी ने भी बताया। जी, जी, जी। मैं भारत सरकार का नहीं, भारत सरकार के बयान का स्वागत करता हूं। ओके गौरव भाटिया, कोई भी अच्छा आदमी होगा, डोमेस्टिक कोई भी अच्छा आदमी होगा जा रहा है ना, अच्छी ही बात करेगा, लेकिन घटिया आदमी से कभी भी अच्छी बात की उम्मीद नहीं। कमेंट सैयद असीम वकार से मैं एक ही बात कहूंगा, पूर्व फौजी के लिए उन्होंने एक बहुत गंदे शब्द का इस्तेमाल किया। चुप कर बे कुत्ते। असीम भाई, दशकों दशकों वो लड़े हैं कि आप और मैं सुरक्षित रहें, हमारे परिवार सुरक्षित रहें। मैं समझता हूं आपको वो शब्द वापस लेना चाहिए, और वो इसलिए ठीक है, उनकी किसी बात से आपको ठेस लगी होगी। मैं केवल यही आपसे विनती करता हूं, बात आप मुझे भी बोल लीजिए, गौरव भाई शब्द का इस्तेमाल किया उसको वापस ले लीजिए, ठीक है? गौरव ही वांट टू से द, तो क्या करूं ना हूं। गौरव भाई मैं आपको बताऊं, मैं कभी भी, आप इतने दिन से देख रहे हैं, मैं बहुत सब्र से काम लेता हूं, मैं बदतमीजी किसी से नहीं करता। मुझे चाहे कितना कुछ कह दे कोई, मैं कभी किसी मजहब के बारे में नहीं बोलता, और मैं दिल से बात कहता हूं, अगर मैं कभी किसी के बारे में कोई गलत बात बोल भी देता हूं तो मुझे अंदर से गिलानी होती है कि मैंने क्यों बोला। हमेशा होती है, आज भी हो रही है, पहले भी होती थी, कभी भी होती है। ये जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, ये एक बार टाइम्स नाउ के ऊपर इन्हीं ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बात बोली थी, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में बोली थी, उस पर भी हम लोग ने एतराज किया। ठीक, यही नहीं, अभी और सुनिए। असीम वकार, मेरा सीधा सवाल है, हमास बिलीव करता है इजराइल के एग्जिस्टेंस पे ही, क्या आपको लगता है ये जायज है? और हमास पहले अटैक करने आया था, इजराइल नहीं गया था, और भारत में तुष्टीकरण के चलते आप लोग पैलेस्टाइन का साइडवेज समर्थन करके डायरेक्टली हमास का समर्थन करते हैं।
कुछ भी। यूनाइटेड नेशन का एक बयान है, वो कहता है यूनाइटेड नेशन की वेस्ट बैंक में इसराइल अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। यूनाइटेड नेशन कह रहा है 9 सेटलमेंट हुए हैं वेस्ट बैंक में इसराइल की तरफ से और 7,00,000 यहूदियों को घुसा के फिलिस्तीनियों के मकानों पे कब्जा करके उनको भगा के उनको तोड़ के क्या इसराइल का कंक्रीट की दीवार खड़ी करके आप यूएन चार्टर पे जा सकते हैं। मैं पूछ रहा हूं क्या भारत में तुष्टिकरण के चलते ये सब कुछ हो रहा है कि मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ बोलिए बोलिए। 7,00,000 यहूदियों को इसराइल ने वेस्ट बैंक में जबरदस्ती घुसा के जमीन पे कब्जा कर लिया, बड़ी बड़ी कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर ली, फिलिस्तीनियों को भगा दिया, और जब कोई फिलिस्तीनी अपनी जमीन पर वापस इसराइलियों को जीने का हक है कि नहीं, से ऊंचे वॉच टावर से गोली मार देते हैं उसको। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं क्या इसराइलियों को जीने का अधिकार है कि नहीं, हाँ या ना? नहीं तो इस तरह जिएगा कि दूसरे के इलाकों में घुस के उनके मकान तोड़कर उनके कब्जा करके उनको भगा के गोली मार देंगे आप? उसके इलाके में कौन घुसा? 7 अक्टूबर को कौन घुसा था? दिल पे हाथ रख के असीम भाई बोलिए। मैं वेस्ट बैंक का आपको उदाहरण दे रहा हूं सर। कौन घुसा था उनके इलाके में? जानकारी नहीं, जानकारी कर लीजिए सर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।